तो नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। दोस्तों, हमारा चैनल अमगाछी डायरी, हमारा गांव, हमारा संस्कृति में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा इस चैनल पर हम अपने गांव समाज की हर एक घटना, पर्व त्योहार, संस्कृति आदि का वीडियो ला रहे हैं। ऐसे ही त्योहारों से संबंधित है बट सावित्री व्रत पूजा। तो दोस्तों, माताओं, बहनों एवं भाभियों, आपको बता दूं कि इस साल बट सावित्री व्रत पूजा 30 मई 2022 सोमवार को है और नेपाली विक्रम संवत 2079 साल ज्येष्ठ 16 गति को बट सावित्री पूजा किया जाएगा। इसी दिन शनि देव का जन्मदिन भी माना गया है। वैसे माताओं बहनों, आपको बता दूं कि बट सावित्री व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ महीना की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस व्रत को हर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना का साथ संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती है। कहते हैं ये व्रत नियम पूर्वक पूरा करने से वो अखंड सौभाग्य प्राप्त करते हैं और उसके वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहती है। पौराणिक कथा अनुसार जब सत्यवान की मृत्यु अल्प आयु में होते हैं, तब उनकी पत्नी सावित्री ने अपने पति का प्राण वापस लाने के लिए यमराज के द्वार पर पहुंच जाती है और अपना निश्चल प्रेम और पतिव्रता धर्म से यमराज से अपने पति का प्राण वापस लाकर पति को जीवित करती है। और फिर यमराज ने सावित्री को उसका पतिव्रता धर्म को देखते हुए उसे वरदान देते हैं कि आज से लोग युगों युगों तक तुम्हारी पतिव्रता धर्म की गाथा गाएंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे। तब से हर सुहागिन महिलाएं इस व्रत बट सावित्री का पूजा करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपना नित्य कर्म के साथ स्नान करके शुद्ध होती हैं और फिर नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करती है। फिर पूजन सामग्री को डलिया या फिर तांबे का थाल में सजाकर बरगद का पेड़ का पास आसन जमाकर सत्यवान और सावित्री का फोटो या फिर प्रतिमा बनाकर पूजा करती है और बरगद का पेड़ पर कच्चा धागा से परिक्रमा करती है। कहते हैं ये परिक्रमा कम से कम 12 बार या फिर 51 बार या फिर 108 बार तक करती है। अगर सामग्री का बात करें तो बांस का पंखा, लाल कपड़ा, लाल या पीला धागा, सिंदूर, धूप, बत्ती, जल और 5 फल प्रमुख होते हैं। तो दोस्तों, माताओं, बहनों एवं भाभियों, मेरा यह जानकारी कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।